हेलो फ्रेंड्स, ग्रुप हेल्पर बोर्ड की सीरीज में आपका स्वागत है। मेरा नाम है प्रेम सिंह और आप देख रहे हैं अर्निंग प्लानर। फ्रेंड्स, ग्रुप हेल्पर बोर्ड की 12th वीडियो है, जिसके अंदर आज मैं आपको बताऊंगा कि अगर आपका एक टेलीग्राम ग्रुप है और उस टेलीग्राम ग्रुप के अंदर आपने बहुत सारे यूजर्स को बैन कर रखा है, ठीक है, अब आप चाहते हो कि वो मेंबर्स जो है जिनको आपने बैन किया हुआ है वो आपके ग्रुप को वापस से ज्वाइन कर सके और आप उन्हें अनबैन करना चाहते हैं। अब अगर आप अनबैन करने बैठेंगे तो बहुत टाइम लग जाएगा आपको उनको अनबैन करने में, तो इसीलिए यहाँ पर मैं आपको एक सेटिंग बताने वाला हूँ जिसकी मदद से आप जन कुछ मिनटों के अंदर आप यहाँ पर अपने जो मेंबर्स हैं उनको यहाँ से अनबैन कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, ज्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए मैं आपको अपने मोबाइल की स्क्रीन के ऊपर लेकर के चलता हूँ। तो फ्रेंड्स, मैं अपने मोबाइल की स्क्रीन के ऊपर आ चुका हूँ। आप साइड में मेरे मोबाइल की स्क्रीन देख सकते हैं। मैं जो भी आपको फोन के अंदर बताऊंगा सभी आपको स्क्रीन के ऊपर शो होगा, तो आपको इसी तरीके से फॉलो करना है। तो यहाँ पर मैं सबसे पहले तो बता देता हूँ कि जो बैन होते हैं उस बैन का मतलब क्या है। तो फ्रेंड्स, जैसे कि आपका ग्रुप है, आप उस ग्रुप के अंदर ओनर हो, आप क्या कर दिया, किसी कोई मेंबर है आपने उसको अपने ग्रुप में से रिमूव कर दिया, ठीक है। अब वो आपके ग्रुप में से रिमूव हो जाता है ना, अगर आपने उसको रिमूव किया तो वो फिर से ज्वाइन नहीं कर सकता। क्यों नहीं कर सकता? क्योंकि वो बैन हो चुका है, ठीक है। और अगर आप मान लीजिए उसको अनबैन कर देते हो, अनबैन कर देने के बाद में वो फिर से ज्वाइन कर सकता है खुद से, ठीक है। तो सबसे पहले तो मैं यहाँ पर अपने जो बैन की लिस्ट है वो बैन दिखा देता हूँ, कितने यहाँ पर बैन हो रखे हैं अकाउंट। सिंपली मैं इसके ऊपर क्लिक करता हूँ और क्लिक कर देने के बाद में यहाँ पर देखिए ये यूजर का कटा हुआ सा निशान आपको दिख रहा होगा, सिंपली इसके ऊपर क्लिक कर देना है। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद में यहाँ पर आप देख सकते हैं मेरे जो दो यूजर्स हैं जिनको मैंने यहाँ पर बैन किया हुआ है। बैन मतलब कि अपने ग्रुप में से खुद ने मैंने इनको हटाया है, ग्रुप में से हटाती है बैन हो जाते हैं। मेरे एक तो बोट है और एक यहाँ पर मेंबर है रियल। हो सकता है आपकी लिस्ट में बहुत सारे हों, हो सकता है हजारों में भी हों, ठीक है। बट फ्रेंड्स, यहाँ पर मैं आपको सिर्फ बता रहा हूँ कि सेटिंग को आप किस तरीके से यूज में ले सकते हैं। तो मेरे से भी यहाँ पर दो ही मेंबर्स हैं, ठीक है, बैन के अंदर। मैंने इनको रिमूव कर दिया था अपने ग्रुप के अंदर से, तो इसलिए बैन की लिस्ट में चले गए। अब मैं इनको मान लीजिए अनबैन करना चाहता हूँ, तो अनबैन करने के लिए मुझे बहुत टाइम लग जाएगा, एक 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 को करूंगा तो मैं, हालांकि मेरे को इनको तो 2 मिनट लगेगी अनबैन करने, बट बहुत सारे जो लोगों के पास में लिस्ट की लिस्ट खुल जाती है वो लोग कैसे करें इस चीज़ को, तो उनके लिए मैं सेटिंग बताता हूँ। सिंपली आपको क्या करना है, बैक आ जाना है और बैक आने के बाद में ग्रुप हेल्प बोट के नाम से एक आपको बोट मिल जाएगा टेलीग्राम के ऊपर, सिंपली उसको अपने ग्रुप के अंदर ऐड कर लीजिए, ठीक है। ऐड करना नहीं आता है तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा वीडियो का, उसके ऊपर क्लिक करके आप सीख लीजिएगा कि ऐड कैसे करते हैं अपने ग्रुप के अंदर ग्रुप हेल्प बोट को, ठीक है। अपने ग्रुप हेल्प बोर्ड को ऐड कर लीजिए अपने टेलीग्राम ग्रुप के ऊपर। ऐड करने के बाद में क्या करना है, ग्रुप हेल्प बोर्ड को ओपन कर लेना है, उसको स्टार्ट कर देना है। स्टार्ट कर देने के बाद मेन्यू के ऊपर जाना है और यहाँ सेटिंग वाली कमांड दे देनी। सेटिंग वाली कमांड देने के बाद में आपने जितने भी ग्रुप्स के अंदर ये बोर्ड को ऐड किया होगा ना, उन सभी की लिस्ट यहाँ पर आ जाएगी। जैसे कि आपने मान लीजिए 10 ग्रुप आपने क्रिएट किए हुए हैं, उन 10 में से आपने 5 ग्रुप के अंदर ये वाले बोर्ड को ऐड किया है, तो उन 5 ग्रुप की लिस्ट आ जाएगी, 10 की लिस्ट नहीं आएगी, सिर्फ 5 की आएगी, क्योंकि आपने 5 को ही ऐड कर रखा है। यहाँ पर देख लीजिए मेरा सिर्फ एक ही ग्रुप है, ग्रुप हेल्प बोट ग्रुप के नाम से, ठीक है। सिंपली मैं इसके ऊपर क्लिक कर देता हूँ। आपको जिस भी ग्रुप के अंदर ये सेटिंग अप्लाई करनी है सिंपली उसी ग्रुप को सिलेक्ट कर लेना, ठीक है। सिलेक्ट कर लेने के बाद में यहाँ पर आपको देखिए अदर का एक ऑप्शन मिल जाएगा, सिंपली इसके ऊपर क्लिक कीजिए। तो फ्रेंड्स, इतना कर लेने के बाद में यहाँ पर आपको इस वीडियो के नीचे सब्सक्राइब का बटन मिलेगा, जल्दी से उसके ऊपर क्लिक कर दीजिए और फिर मैं बताता हूँ आगे आपको क्या करना है। इसके ऊपर क्लिक कर देने के बाद में यहाँ पर देखिए मेंबर्स मैनेजमेंट का एक ऑप्शन मिल जाएगा, आपको सिंपली इसके ऊपर क्लिक कर देना है। अब देखिए इसके ऊपर क्लिक कर देने के बाद में यहाँ पर आपको देखिए एक ऑप्शन मिल जाएगा अनबैन ऑल, आपको सिंपली इसके ऊपर क्लिक कर देना है। इसके ऊपर क्लिक कर देने के बाद में यहाँ पर देखिए आपके सामने एक मैसेज आ जाएगा, इस मैसेज के अंदर ये कह रहा है कि यहाँ पर एक बोट है, इस बोट को आप अपने ग्रुप के अंदर ऐड कीजिए पहले, ठीक है। तो आपको सिंपली क्या करना है, अपने ग्रुप के अंदर इस बोट को ऐड करना है जिस ग्रुप में आपको ये सेटिंग करनी है, ठीक है। तो सिंपली मैं क्या करूंगा, इसके ऊपर क्लिक कर दूंगा, इसके ऊपर क्लिक करूंगा, यहाँ पर देखिए ऐड ग्रुप और चैनल मिल जाएगा, आपको सिंपली इसके ऊपर क्लिक कर देना है। इसके ऊपर क्लिक कर देने के बाद में आपका जो भी ग्रुप है जिसके अंदर आपको सेटिंग अप्लाई करनी है उस वाले ग्रुप को यहाँ पर आपको क्लिक कर देना है। मेरे ये वाला ग्रुप है, ठीक है, और यहाँ पर मैं ऐड टू ग्रुप ऐड अस एडमिन के ऊपर मैं क्लिक कर दिया, ठीक है। अब ये जो ग्रुप है वो एडमिन बन चुका है। अब यहाँ पर आपको बैक आ जाना है और बैक आ जाने के बाद में यहाँ पर वापस ग्रुप हेल्प के ऊपर चलना है। अब यहाँ पर देखिए बैक का एक ऑप्शन मिल जाएगा, इसके ऊपर क्लिक कीजिए। फिर से आप यहाँ पर अनबैन वाला अनबैन ऑल है उसके ऊपर क्लिक कीजिए। तो फ्रेंड्स, अनबैन के ऊपर क्लिक कर देने के बाद में यहाँ पर देखिए आपको कंफर्म का एक ऑप्शन मिल जाएगा, आपको सिंपली कंफर्म के ऊपर क्लिक कर देना है। जैसे आप कंफर्म के ऊपर क्लिक करेंगे यहाँ पर आप देख सकते हैं अपना सक्सेसफुली यहाँ पर जितने भी अकाउंट्स थे वो सभी अनबैन हो चुके हैं एक साथ। आपको ज्यादा मेहनत भी नहीं करनी पड़ी। अब मैं आपको प्रूफ दिखाता हूँ। सिंपली मैं यहाँ पर बैक जाता हूँ और यहाँ पर मैं सिंपली अपने ग्रुप को ओपन कर लेता हूँ। ग्रुप के नेम के ऊपर क्लिक करता हूँ। यहाँ पर देखिए मैं इसके ऊपर चेक कराता हूँ। यहाँ पर देख सकते हैं मेरे जो लिस्ट है वो लिस्ट अब यहाँ पर खत्म हो चुकी है, मतलब कि अपने जो लिस्ट है यहाँ पर इम्प्टी हो चुकी है, खाली हो चुकी है, ठीक है।
अभी यहाँ पर देखिए, मानसी के नाम से था, मैंने आपको स्टार्टिंग बता दिया था, मानसी के नाम से मेरा यहाँ पर एक अकाउंट था, ठीक है। वो अकाउंट यहाँ पर देखिए अब अनबैन हो चुका है। तो फ्रेंड्स आई होप आपको अच्छा सब कुछ क्लियर हो गया कि आप अपने टेलीग्राम ग्रुप के ऊपर से जितने भी बैन यूजर्स हैं उनको एक साथ अनबैन कैसे कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स आपको ये वीडियो कैसी लगी, यदि यह वीडियो आपको अच्छी लगी तो इसे लाइक कीजिए, और यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद, आपका दिन शुभ हो।